वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ, हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो हितेश सेठिया। थैंक यू रुचि। आज हम कमोडिटीज मार्केट पे चर्चा करने वाले हैं। हितेश, कमोडिटीज मार्केट में काफी नए प्लेयर्स आते हुए नहीं दिखते हैं। मतलब एक कमोडिटी मार्केट को बहुत ही कम लोगों ने पसंद किया है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो जब कमोडिटीज मार्केट में कुछ इनोवेशन आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे, तो किस तरीके का रुझान देख सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए रुचि, 2003 में कमोडिटी डेरिवेटिव्स इंडिया में शुरू हुए थे। एक मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन तब बढ़ता है जब वहाँ पे कंटिन्यूसली इनोवेशंस होते रहे। इनोवेशन होने का मतलब होता है कि नए इंस्ट्रूमेंट्स आते रहें और नई चीज़ें होती रहें, और यही चीज़ रुझान बढ़ाती है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। 2003 के बाद अगर मैं याद करूँ तो सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स नए आया करते थे, और वो भी सिर्फ फ्यूचर्स। अगर आप ओवरऑल मार्केट भी देखें इंडिया में, तो लोगों का इंटरेस्ट हमेशा से ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा रहा है। लगभग 15 साल के बाद में, 2003 से 2018 तक जाते जाते, कमोडिटी मार्केट्स में नए इंस्ट्रूमेंट्स आना शुरू हुए। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स आए तो सही, मगर उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और उसके पीछे शायद मुझे ऐसा लगता है कि और इनोवेशन लाने का ज़रूरत था। बट पिछले एक साल में जो हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कमोडिटी मार्केट्स के लिए। मैं बताता हूँ, देखिए एक पूरा रिटेल इन्वेस्टर को लाने के लिए बाजार में नई चीज़ें लाई गई है। एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ सो दैट आप समझ पाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब कमोडिटी मार्केट 2003 में शुरू हुए थे तो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हुए थे, वो भी एक किलो गोल्ड। एक किलो गोल्ड अगर आज की मैं बात करूं तो लगभग 47 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोबेबली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 47 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना और उसके सामने इतना बड़ा मार्जिन देना, फ्यूचर्स में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 2018 में ऑप्शंस लाए गए और उसका एक नया वर्जन 2020 में लाया गया। खास करके जो कॉन्ट्रैक्ट्स लाए गए अभी, उसमें गोल्ड तो है ही, मगर ज़्यादा ध्यान गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिया गया। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का। छोटा कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए उसकी लॉट साइज छोटी है, लॉट साइज छोटी है इसलिए उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू छोटी हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू छोटी है इसलिए उस पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ मार्जिन वो भी कम हो जाता है। तो रिटेलर्स के हिसाब से लाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कमोडिटी मार्केट्स को जो बहुत पहले कॉम्प्लेक्स वे में ऑप्शंस लाए गए थे उसको सिंप्लीफाइड किया। मेरे हिसाब से सेबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, जहां नए तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स लाए गए। हुआ ऐसा रुचि कि अभी तक क्या होता था, बड़ा कॉम्प्लेक्स वे में ऑप्शंस मार्केट कमोडिटीज में चलते थे। एक कॉन्सेप्ट होता उसमें डिवॉल्वमेंट का। डिवॉल्व मतलब आपके ऑप्शन जो हैं वो डिवॉल्व होके फ्यूचर पोजीशन में चेंज हो जाते हैं ऑप्शंस की। सो ऑप्शंस फ्यूचर्स में चेंज हो जाते हैं। अब वो इतना कॉम्प्लेक्स था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी मार्केट में, बट इतना कॉम्प्लेक्स था जो शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आया। और इसीलिए मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश की, बट उसमें वो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं बन पाए। अभी जो लाया गया वो ऑप्शन ऑन गुड्स लाया गया बिना डिवॉल्वमेंट, मतलब ऐसे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटीज में, वो भी छोटे कॉन्ट्रैक्ट में, गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट में, जो सीधे स्पॉट पे सेटल हो जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, वो ये था कि अगर आप फ्यूचर्स को देखें कमोडिटीज में, तो वो सेटल होने के पहले टेंडर पीरियड, डिलीवरी पीरियड में जाते हैं जिसमें लोगों को डिलीवरी एलोकेट होती है। यहाँ पर जो कमोडिटी ऑप्शंस लाए गए हैं वो नए स्ट्रक्चर्स में लाए गए हैं और सीधे स्पॉट पे सेटल हो जाते हैं। और इससे भी अच्छी बात ये हुई है, जो मेरे हिसाब से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए,
अभी तक क्या होता था रुचि कि इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंजेस पे जब गोल्ड की डिलीवरी होती थी, ये इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की होती थी, काफ़ी सारे ब्रांड्स की जो यहाँ पे रिफाइनरी से जो बार्स है वो इंटरनेशनल बार्स यहाँ पर होती थी, इंडियन बार्स एक्सेप्टेबल नहीं थी। मगर पिछले साल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कमोडिटी सेगमेंट में पहली बार इंडियन गोल्ड को डिलीवरेबल गोल्ड कंसीडर किया है, जो एक बहुत अच्छी स्टेप है टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ प्राइस डिस्कवरी था। तो मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे थे कि लोगों का रुझान नहीं है, अब वो बढ़ने लगा है। अगर आप पिछले एक साल में देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस हो। तो जैसे हितेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब इनोवेशंस होती हैं, आइडिएशन साथ होती हैं, तो कुछ नए ऑप्शंस अपने आप सामने आने लगते हैं। बने रही कॉफ़ी विद शेयर गुरु के साथ, हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।